तो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग, आते सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। आप सभी का भाई लेके आ गया एक न्यू बेस्ट ट्रिक जिससे आपका अकाउंट 100% अनलॉक होने वाला है। यदि आपका अकाउंट अभी भी लॉक पर है या आपके फ्रेंड का अकाउंट लॉक पर है तो इस वीडियो को देखकर आपका अकाउंट 100 and 200% अनलॉक होने वाला है। बस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। यदि आपको फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपका अकाउंट 100 and 200% अनलॉक होने वाला है। यदि आपको फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है फिर भी मैं आपको 90% गारंटी दे सकता हूँ कि आपका अकाउंट अनलॉक हो सकता है इस वीडियो को देखकर, क्योंकि जिनका अकाउंट को डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है उन पर 90% ट्रिक वर्क है। यदि जिनको डेट ऑफ बर्थ पता है उनको 100% अकाउंट अनलॉक होने वाला है, फिर उन्होंने आईडी बाई किया हो या उनका खुद का अकाउंट हो। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने कहा और आपने सुना कि आपका 100 and 200% अकाउंट अनलॉक होने वाला है, बट कैसे? क्योंकि आपके पास तो उसके अकाउंट की कोई डिटेल्स ही नहीं है, बस आपके पास डेट ऑफ बर्थ पता है और कुछ लोगों को तो डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है, तो अनलॉक कैसे होगा यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली फेसबुक वाले तीन चीज़ें देखते हैं। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि फेसबुक वाले तीन चीज़ें मेनली देखते हैं। यदि आपकी ये तीन चीज़ें आपके आईडी कार्ड से मैच होती हैं तो आपका अकाउंट का आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है और आपका अकाउंट की एक्सिस लिंक आ जाती है और आपका अकाउंट लॉक हो जाता है। बट कुछ बंदों की एक्सिस लिंक भी वर्किंग नहीं होती है, तो मैं मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए, तो आपकी एक्सिस लिंक वर्किंग हो जाएगी। बट आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। बट आपका अकाउंट का जैसे ही आप चार्जेस पे करोगे आपका एक्सेस आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा लॉक करने के। अब बस चलते हैं वीडियो की तरफ। कौन सी तीन चीज़ें? फर्स्ट आपको फेसबुक वाले नेम देखते हैं, सेकंड आपका फेसबुक वाले फोटो देखते हो, थर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ देखते हैं। यदि आपकी ये तीन चीज़ें आप मैच करा लेते हो तो आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट होने के 99% तक चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि 1% में फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं आपकी कुछ मेनली छोटी सी गलतियों की वजह से। तो यदि आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आपको कन्फर्म है कि यही डेट ऑफ बर्थ है फिर भी आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, आपको कन्फर्म है कि यही डिटेल्स है फिर भी आपका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि टीम का भी कांटेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मेरा तो कांटेक्ट लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में डला ही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि डायरेक्टली इंस्टाग्राम के लिंक से ही आया करें, यूजर नेम सर्च करके ना आया करें, क्योंकि स्कैम इस टाइम बहुत चल रहा है। क्योंकि मेरे नाम से या किसी बंदे के नाम से या किसी और यूट्यूबर के नाम से आप यूजर नेम सर्च करके जाते हो तो आप दूसरे के पास पहुंच जाते हो, वो आपका स्कैम कर लेता है। तो आप किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी वीडियो को देख कर जाओ तो यूज़र नेम को ही क्लिक करके विजिट किया करो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने आपको बताया कि तीन चीज़ें देखते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो। यदि आपकी तीन चीज़ें मैच होती हैं तो आपका अकाउंट अनलॉक हो जाता है। चलते मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको दिखाने वाले दो अकाउंट अनलॉक करके। इनका सेम यही प्रॉब्लम था कि उनका आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता था, बट मैंने प्रोसेस किया और उनका आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो गया और अकाउंट भी अनलॉक हो गया। तो चलते मोबाइल की स्क्रीन पर। सो जैसा कि आप ये अकाउंट देख रहे हो, इस अकाउंट का प्रॉब्लम पहले क्या था कि इस पर दूसरा नेम था। तो पहले फर्स्ट मैंने इसका नेम चेंज किया, ठीक है। नेम चेंज करने के बाद मैंने इस पर नेक्स्ट किया, कन्फर्म आईडी पे क्लिक किया, जीमेल फिल किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसका आईडी कार्ड सबमिट किया, ठीक है। आईडी कार्ड को जैसे मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आया चूज़ फाइल का ऑप्शन। तो इस पर मैंने यहाँ से आईडी कार्ड को इसका सिलेक्ट किया, ठीक है। तो मैंने इसका आईडी कार्ड सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद सबमिट किया। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि लोडिंग हो रहा है, वो सबमिट होने वाला है। तो जैसे कि आईडी कार्ड हो गया सबमिट, सबमिट होने के बाद कुछ टाइम बाद इसका रिप्लाई भी आया। रिप्लाई आने के बाद एक्सेस लिंक आई, आईडी कार्ड एक्सेप्ट हो गया। पहले इस बंदे का क्या होता था कि ये आईडी कार्ड सबमिट करता था तो आईडी कार्ड रिजेक्ट हो जाता था। मैंने प्रोसेस किया, उस पर जो इसकी कमियां थी मैंने उसको सॉल्व कर दी और फिर एक्सेस लिंक आया। मैंने एक्सेस लिंक को ब्राउज़र पर सर्च किया तो आपने लाइव ही देखा किसका अकाउंट की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। कंफर्म करने के बाद मैंने इस पर नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया, पासवर्ड क्रिएट योर न्यू पासवर्ड। तो मैंने पासवर्ड को एंटर किया, पासवर्ड को एंटर करने के बाद नेक्स्ट किया, सेव डिटेल्स के बाद अब इसका अकाउंट अनलॉक हो गया। तो इस प्रकार से ये अकाउंट अनलॉक हो जाता है। और जैसे कि मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ, अंदर भी जाके गो टू फेसबुक, ठीक है। तो यहाँ पे गया, गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, यहाँ पे हो गया ये सिक्योरिटी चेक सही से चेक, नो चेंजेस। और फिर इस पर गया मैं गो टू न्यूज़ फील्ड, तो ये देखिए अकाउंट सक्सेसफुली अनलॉक हो गया है। अब आपको सेकंड अकाउंट दिखाते हैं। तो जैसे कि आप ये अकाउंट देख रहे हो, सेम प्रॉब्लम इसमें भी थी कि इस भाई का ना इसका नेम चेंज मैच होता था, ना तो इसका आईडी कार्ड एक्सेप्ट होता था और ना
ये आईडी कार्ड सबमिट करते थे भाई, तो इसका आईडी कार्ड रिजेक्ट होता था। तो मैंने इसका प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आईडी कार्ड सबमिट किया, जो भी इसकी कमियाँ थी सेम मैंने उसको सुधारी और सबमिट किया हमारी टीम ने। और फिर उसके बाद एक्सेस लिंक आया। एक्सेस लिंक आने के बाद जब सर्च मारा एक्सेस लिंक ठीक है सर्च मारा ब्राउज़र पर, तो आइडेंटिटी इसकी भी कन्फर्म हो गई, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हो जैसे कि इस बंदे की भी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई। उस पर आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसमें कुछ भी ऐड नहीं था, ना नंबर ऐड था, ना जीमेल ऐड था, नंबर ऐड था, क्योंकि फेसबुक वालों का रूल होता है कि यदि आप एक नंबर से दो से तीन अकाउंट क्रिएट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट वाले अकाउंट से नंबर रिमूव हो जाता है, नाम मात्र का ऐड होता है। तो इसी बंदे का ना तो नंबर ऐड था ढंग से, ना जीमेल ऐड था। तो मैंने इसका इन दोनों अकाउंट्स को अनलॉक करने के बाद इनमें अपनी जीमेल फिल कर दी, और इन दोनों का पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इन दोनों का सक्सेसफुली इनका आईडी पासवर्ड दे दिया गया। यदि कोई बंदा स्कैम करने की कोशिश करता है तो उसका अकाउंट को हम रिकवर कर लेते हैं, फिर अगेन पास पेमेंट के बाद ही। जैसा कि आपने देखा कि इन भाइयों का अकाउंट अनलॉक हो गया है, यदि आप भी कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारी टीम आपका अकाउंट भी अनलॉक करके देगी। बट आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ, तो आपका अकाउंट 24 से 48 आवर्स के अंदर अनलॉक कर दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, बस इतने से ज़्यादा नहीं लगेंगे यदि आपको डेट ऑफ बर्थ पता है। अब उनकी बारी आती है जिनका डेट ऑफ बर्थ भी पता नहीं है, वो लोग क्या करें? तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि वो लोग अपने अकाउंट को 30 से 40 दिनों के लिए लॉग आउट करके रख दें, तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि आपके 90% लोगों का डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि गेट कोड का ऑप्शन या कोई सा अदर ऑप्शन आ जाता है, 90% लोगों का आता है, 100% लोगों का बिल्कुल भी नहीं आता है। आप कहोगे कि भाई आपने कहा था कि मेरा लॉग आउट कर दो, मेरा आया नहीं। तो यदि आपका नंबर और जीमेल दोनों ऐड हैं तो आपका 90% चांसेस है कि आपके पर गेट कोड का ऑप्शन आ सकता है या कोई अदर ऑप्शन आ सकता है, जिससे आप अपने अकाउंट की आइडेंटिटी कंफर्म कर सको और आपका अकाउंट अनलॉक हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह गया हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। सो इस वीडियो को यहीं तक पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेस्ट टॉपिक के साथ। यदि आपकी कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो सी यू सून। नजर यहाँ है हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है।